पे 50 साल से लोग पापा जैसे करते हैं कि चक्का मार लेते फिर फट जाते हैं। अशोका लाखों की तादाद में जब आवाम आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहा हूँ मुनीर बाजान लाहौर से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, इमरान खान की तस्वीर लेके आए हैं और काफी लोग मांग रहे थे ये तस्वीर। मैंने अबू को दे दी तस्वीरें, तकरीबन लेकर आए 800 से 1000 तस्वीरें लेकर आए मेरे बाल से। अच्छा, लेकिन आपको पता है सांसद से लोग मोहब्बत ऐसे करते हैं कि झपका मार देते फिर फट जाते हैं। तो सबको पहले एक एक करके देंगे इंशाल्लाह। ये स्पेशल अपनी वाला से लेकर आया, कल आया था अपनी वाला से। खान साहब की काल में आए हैं, अपनी आजादी के लिए आए हैं और इस मुल्क को इस जो जबर से जुल्म से निकालने के लिए काम करना चाहिए। कल से बात आपके पास जो तकसीम करते हैं उनके पास पैसे उठाएंगे। 800 के करीब लेके आए, 800 और लोग तो यहाँ पे आप कह रहे हैं काफी ज्यादा आएंगे, तो ये तो पूरी नहीं आएंगे। एक एक करके बांटेंगे तो पूरी नजर तो आ जाएगी ना। वो इसमें खर्चा कितना आया? खर्चा खान के लिए जान आ रहा है, खर्चा क्या करता है, हजारों में होता है खर्चा। कब आए थे लाहौर? कल आए थे। और यही पर रुके? इसी ग्राउंड में आप रुके हैं या नहीं? कहीं रुके थे हम। रास्ते में कोई रुकावटें वगैरह? रुकावटें कोई भी नहीं है, रुकावटें बाद में लगाएंगे। रुकावटें अच्छा, वो क्यों आपको लगता है कि बाद में रुकावटें लगाएंगे जी? आपको क्यों लगता है कि बाद में रुकावटें लगाएंगे? क्योंकि ये आपको पता है पाकिस्तानियां थोड़ा ठहर के निकलते हैं। अभी तो हमारे पास टाइम तकरीबन 2:15 है और लाहौरी आपको पता है जागते भी लेट है, और लाहौरी जब जागते हैं तो पूरा पाकिस्तान जागता है। यहाँ पे 1-2 घंटे के बाद देखना क्या समा होगा। आपको ये नहीं लगता कि जो जलसे का टाइम दिया गया है उस टाइम से एक्सीड हो जाएगा टाइम, तो फिर मुकदमा? टाइम ऐसे दिया जाता है, एनओसी की तरह दिया है, इधर का एनओसी दिया 40 पॉइंट दिया। भाई एनओसी है, कोई शादी का फंक्शन थोड़ी है, कितने बजे लाइटें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दे। जलसा तो जाते ही रात 11-12 बजे तक है। हो जाएंगे हमारे अपने मुर्शिद पे मुकदमे, वो जेल में है, उसने गोलियां खाई है, उसकी घर वाली जेल में है, खान की पार्टी जेल में है। मुकदमे हो गए तो हो गए, क्या करेंगे अगर मुकदमे? खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा जेलो से क्यों डरते हो, मैं भी तो जेल में हूँ। हमारा लीडर जब जेल में है तो अगर हम भी चले गए क्या हो गया? पहले भी जेल खाई है, बाद में भी खा लेंगे। कब तक आप यहाँ पे रुके रहेंगे? जब तक जलसा होगा, आगे कोई प्लान दिया जाता है तो आगे प्लान पे जाएंगे, नहीं तो अगर जलसे को पूरा तरीके से खत्म कर दिया जाता तो घरों पर निकल जाएंगे। होगा आपको लगता है वापसी पे? वापसी में तो बड़ा रश होगा, आपको पता है कंजेस्टेड एरिया है, रास्ते में तो सारी बात है रश होगा लाखों की तादाद में जब आवाम आएगी। जलसा ये आपको पता है जलसा गांव में भी 10% लोग पहुंच गए तो यहाँ पे लाखों का समा होगा और 90% लोग पहुंच नहीं पाएंगे। जगह जो ऐसी दिया है सड़कों पे, ऊपर रिंग रोड पे लोग होंगे। मीनारे पाकिस्तान पे जलसा था, उसके हिसाब से आपने कोई तैयारी की थी? ऐसे हिसाब से यार होना तो मीनारे पाकिस्तान में चाहिए था, लीडरशिप को भी चाहिए था मीनारे पाकिस्तान में करते, जो होता देखा जाता। जब खान साहब ने कह दिया कश्तियां जला कर पहुंचो, तो कश्तियां जलाने का मतलब है ये कि कुछ भी हो जाए, गोली लगती है, गिरफ्तारी होती है, कुछ भी होता है, आप लोगों ने पहुंचना। गोला नहीं दे रहे थे तो फिर क्या वो डटे रहते? जाते की तैयारी होता है, तैयारी कर लेते हैं सारी चीजें। जाते के घर के साथ हमने कह दिया मिले ना मिले जैसा तो करना है, आजादी भी कोई इजाजत से देता है ये बात होता है। आजादी इजाजत से मिलती है, इजाजत सब कुछ। बहुत शुक्रिया भाई।